Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, आज हम बात करेंगे लार्ज फार्मूले के बारे में और लार्ज फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, किस प्रकार से ये काम करेगा, आइए देखते हैं. इज इक्वल टू का निशान बनाइए और यहाँ लिखिए एल ए आर जी लार्ज और लार्ज फार्मूले के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है. आपको ध्यान रख क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना है, हेडिंग नहीं सेलेक्ट करना है. और नीचे तक यहाँ ड्रैग करते हुए आ जाइए. ठीक है, मैं इसको फिर से कर लेता हूँ. नीचे तक हमें जाना है ड्रैग करते हुए, यहाँ तक आ गए. F4 दबा के इसे फिक्स कर दीजिए, कॉमा दीजिए. पहले नंबर पर जो सबसे लार्ज होगा वो हमें चाहिए, तो यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ. तो यहाँ देखिए इस पूरे कॉलम में सबसे जो लार्ज नंबर है वो 76 है. कहाँ दिया हुआ है, ये है. ठीक है, 76 दो जगह दिया हुआ है तो 76 सबसे लार्ज है. ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी. इसी तरह से यहाँ भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं लार्ज का, इज इक्वल टू एल ए आर जी ई लार्ज. ठीक है, और PT2 यानी पीरियोडिक टेस्ट 2 में जिन बच्चों ने सबसे जो अधिक नंबर पाए हैं, किन किन सब्जेक्ट में पाए हैं, तो वो हमें देखना है. तो यहाँ से अब हमको ड्रैग करते हुए चलना है, यहाँ से ड्रैग करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि सबसे लार्ज PT2 में सबसे ज़्यादा नंबर किसके रहे हैं. तो बंद करेंगे इसको और एंटर प्रेस करेंगे. बंद करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको F4 दबा के फिक्स भी करना है, तो फिक्स भी कर लेते हैं. एक बार फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये सेलेक्ट हो गया. F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए और एक नंबर पे हमें लार्ज चाहिए. तो ये देखिए इसमें लार्ज नंबर जो है 80 है, आप देख सकते हैं. 80 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80, सबसे बड़ा जो नंबर है वो 80 है. ठीक है, अब इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं. ये ड्रैग करने पर गलत देगा. ठीक है, चूँकि हमने सारे जो नंबर है उनको फिक्स कर रखा है, इसकी वजह से ये ड्रैग करने पे गलत देगा. तो आपको यहाँ लिखना है सिर्फ लार्ज और लार्ज लगा करके, और आपको ड्रैग करना है इसको यहाँ से यहाँ तक. आप यहाँ पर रखिए और अब ड्रैग कीजिए इसको, ये हमने कर दिया ड्रैग यहाँ तक. ठीक है, F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए, पहले नंबर की लार्ज संख्या आप निकाल लेंगे. यहाँ पे देखिए ये सब गड़बड़ हो गया है, इसको हटा दीजिए, फिर से कर देते हैं. एक बार यहाँ पे रखेंगे और पहले नंबर की लार्ज संख्या हमें चाहिए, तो इसको ड्रैग करते हुए नीचे आ जाइए. आ गए, F4 दबा के फिक्स कर दीजिए, कॉमा दीजिए, पहले नंबर की लार्ज संख्या, यहाँ पहला नंबर दे दीजिए, एक लिख दीजिए, एंटर करिए. तो ये पहले नंबर की लार्ज जो संख्या है वो आ जाएगी. और फिर यहाँ पर लगाएंगे लार्ज, एल ए आर जी ई लार्ज. ठीक है, और इसको भी हम ड्रैग करते हुए आ जाएंगे नीचे की तरफ. ठीक है, और इसको ड्रैग करने के बाद F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए. अब पहले नंबर की लार्ज जो संख्या है, बड़ी जो संख्या है वो निकालनी है, एंटर करिए. यहाँ 80 आ चुकी है, देख लीजिए इसमें सबसे लार्ज 80 है, लार्ज एल ए आर जी ई. ठीक है, और आपको यहाँ से करना है ड्रैग इसको नीचे की तरफ. आ जाइए ड्रैग करते हुए, आ गए. F4 दबा के फिक्स कर दीजिए, कॉमा यहाँ 1 दे दीजिए, क्योंकि पहले नंबर की लार्ज संख्या चाहिए. अगर आपको दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लार्ज संख्या चाहिए तो आप 1 की जगह 2, 3 या 4 भी लिख सकते हैं. इंटरप्रेस करने पे सबसे बड़ी संख्या इसमें 73 दिखा रहा है. तो आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी. वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.